नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है उसके बारे में, जिन स्टूडेंट को सेकेंड काउंसलिंग में और फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती, उनका एक ही सवाल है, क्या सर थर्ड काउंसलिंग होगी। दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तृत में जानकारी बताएंगे और आप सभी के लिए खुशखबरी भी है कि दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि एजुकेशन से संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि थर्ड काउंसलिंग से वंचित ना रहे। दोस्तों, अगर आप PTET MDSU 2018 ऑरेंज पर विजिट करते हैं, उस पर आप यदि विजिट करते हैं तो पहले यहाँ पे एक नोट चलता था, सेकंड काउंसलिंग चल रही थी उस टाइम, वो नोट चल रहा था। सेकंड काउंसलिंग में स्पेशल यहाँ पर चलाया गया ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हो गए हैं, वो सेकंड काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले सकते। दोस्तों, आप वो वेबसाइट ओपन कर यहाँ पर देख सकते हैं, वो नोटिस हटा दिया गया है। इसका क्या कारण है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जिन्हें पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हो गए थे वो सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। दोस्तों, आप वेबसाइट ओपन कर यहाँ पर देख सकते हैं, वो नोटिस भी हटा दिया गया है। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब वह नोट हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक नोटिस चल रहा था कि द्वितीय काउंसलिंग अंतिम काउंसलिंग होगी, उसके पश्चात कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा और यहाँ पर पढ़ा भी होगा कि सेकेंड काउंसलिंग बाद में कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा था। और मैंने भी आपको कहा था कि सेकेंड काउंसलिंग बाद थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ था वही मैं आपको बता रहा था, लेकिन मैं आपको आज एक नई बात बताऊंगा और आप सभी के लिए खुशखबरी भी दूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये नोट ज़्यादा दिन नहीं रहा, ये रहा होगा लगभग 2 दिन तक, उसके बाद इसे हटा दिया गया। लेकिन क्यों हटा दिया गया ये भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, 26/7/2018 को कॉलेज अलॉटमेंट की शाम को जानकारी आप सभी को दे दी गई थी। 26 से लगभग आज 4 दिन हो गए, 4 दिनों में शॉर्ट लिस्ट होना था। जो एडमिशन होने थे कॉलेजों में, सीट खाली थी, उनमें वो एडमिशन हो गए, मतलब उनको कॉलेज अलॉटमेंट कर दी गई है। उसके बाद में भी बहुत सारी ऐसी कॉलेज है जिनमें अभी भी सीट खाली है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके लगभग 300, 320, 350 नंबर है, लेकिन फिर भी उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई, लेकिन उनके डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है उनमें सीट खाली है। दोस्तों, इस बारे में मैंने पता किया कि जो अपने तहसील में है उनमें कितनी सीटें खाली है, तो हर कॉलेज में सीट खाली थी। तो दोस्तों, इस बार जो डेट और टाइम दिए गए थे काउंसलिंग के समय वो एकदम सही रहे, किसी प्रकार की डेट बढ़ाने की दिक्कत नहीं आई, और जो डेट दिए गए वो ही रहे। आप सभी की कमेंट को देखते हुए मैंने ये वीडियो बताया, और क्योंकि आप बहुत टेंशन में थे इसलिए मैंने कई जगह पर पता किया, फोन भी किया। उसके बाद में जो बीएड का डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड एक दोस्त था, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि थर्ड काउंसलिंग ज़रूर होगी। तो दोस्तों, आपको टेंशन ना ले, आप किसी प्रकार की टेंशन ना ले। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है तो आप थर्ड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जो नोट हटा दिया गया है कि जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग अलॉटमेंट हो गई थी वो सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, ऐसा लिखा हुआ था, एक नोट चल रहा था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी और किसी कारण से जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, या फिर सेकेंड काउंसलिंग में जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई और वो बीएड करना चाहते हैं, किसी भी कारणवश एडमिशन नहीं लिया, वो रिपोर्टिंग की, तो मेरे ख्याल से या मेरे विचार से वो तृतीय काउंसलिंग में भी भाग ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये श्योर है कि थर्ड काउंसलिंग होगी, और जैसे ही इसका कोई भी नोटिस आएगा तो मैं इस शिक्षा ज्ञान चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, वो भी थर्ड काउंसलिंग में भाग ले सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।